हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अलैंगिक प्रजनन क्या है, और आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं। इसलिए इस वीडियो को खूब बढ़िया से समझने के लिए आप अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें, ताकि हम आपको अच्छे ढंग से इसे हम समझा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अलैंगिक जनन है क्या। तो हम समझते हैं कि जनन की दो विधियां होती हैं, यानी जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जनन का एक प्रकार है। तो अलैंगिक जनन कहते किसको है? तो अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक ही जनक से कई जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे अब हम कोई भी प्रजनन करता है, जैसे जंतु कोई प्रजनन करते हैं, तो उसमें एक नर चाहिए और एक मादा, और ये दोनों मिलकर के और एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक केवल एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं, और ये अलैंगिक प्रजनन ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में ही होता है, क्योंकि उसी से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे कितने जीव हैं और किन किन में किस तरह से ये जनन की विधि होती है, अब इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की पांच विधियां होती हैं। यानी अलैंगिक जनन को पांच भागों में बांटा गया है। देखेंगे, पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीज निर्माण, चौथा खंडन और पांचवा पुनर्जनन। अब हम लोग एक एक करके विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विखंडन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, विखंडन, खंडन का मतलब ही समझ में आता है कि खंडन का मतलब होता है टुकड़ा। तो जब कोई जीव खंडित होकर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन। अब मान लिया जाए कि यह कोई जीव है, और वो जीव अगर किसी भी तरह अगर इससे प्रजनन करके अगर ये अलग अलग भागों में बंटता है, और एक ही जीव से एक दो तीन, एक दो तीन, अगर तीन तरह के जीव बन गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? विखंडन। विखंडन को दो भागों में बांटा गया है। पहले हम समझ गए विखंडन क्या है। जब एक जनक खंडित होकर के दो या दो से अधिक जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी दो या दो से अधिक संतति को जन्म देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन। अब इसके आधार पर हम विखंडन को दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि हमने अभी बोला कि ये दो जीव में बंटेगा या दो से अधिक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विखंडन दो प्रकार के होते हैं। यहां देखेंगे, एक को बोलते हैं द्विविखंडन और दूसरे को बोलते हैं बहुविखंडन। अब हम एक एक से विचार करेंगे कि आखिर द्विविखंडन क्या है। अब देखेंगे देखेंगे बच्चों, जब एक जीव खंडित होकर के और दो जीवों में बंट जाता है, तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। लेकिन इसमें द्विखंडन विधि में जनक जीव जो दो भागों में बंटता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो मर जाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि देखिए एक जीव है, और एक जीव अगर खंडित होकर के दो भाग में बंटा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो जो पहले वाला ये वाला जंतु था, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे कैसे। अब ये होता किसमें है? अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलीना में, इन सारे जीवों में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है।
अब एक चलिए हम देखते हैं कि आखिर यह होता कैसे है। मान लिया जाए कि यह एक जीव है, मान लिया जाए अमीबा, और इसमें एक केंद्रक है। हम समझते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो जब यह अलग भागों में बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है कि यह जो केंद्रक है यह केंद्रक अलग होता है, यानी यह अमीबा हो गया। अब यह केंद्रक बढ़ेगा, अब बढ़ करके अलग अलग भागों में बटेगा, लंबा हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे और लंबा हुआ, तो यह केंद्रक बढ़ते जाएगा और इसके साथ कोशिका द्रव्य भी बढ़ते जाता है। अब बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है कि यह टूटकर अलग भाग में बट गया, एगो इसमें भी केंद्रक हो गया, इसमें एगो केंद्रक, तो अब ये जो जीव था अब ये समाप्त हो गया और इससे दो नए जीव बन गए, तो ये दो भागों में बट गया। तो हम देखेंगे यहां पर कि एक जीव, इसमें से केंद्रक बढ़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के अंत में ये टूटा और टूट करके दो भागों में बट गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक जीव, जनक जीव, खंडित होकर के दो भागों में बट जाते हैं तो ऐसे प्रजनन को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। समझ गए बच्चों? और यह होता किसमें किसमें है? तो अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलीना में, जीवाणु में और इष्ट में। इसमें कौन सा प्रजनन हुआ? द्विखंडन। अब हम आगे पहुंचते हैं और देखते हैं बहुखंडन। अब देखिए बहुखंडन में क्या होता है। बहुखंडन, बहु माने बहुत, खंडन माने टुकड़ा। तो जब किसी जीव का शरीर, या ऐसे मानते हैं कि जब कोई जनक जीव खंडित होकर के और बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुखंडन। तो अब हम देखते हैं कि यह कैसे होता है। चलिए चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बहुखंडन। तो पहले हम समझते हैं बहुखंडन क्या है। तो हम अभी समझ गए कि बहुखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक जनक खंडित होकर के कई भागों में बंट जाता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, मान लिया जाए कि यह एक जीव है और इसमें यह हो गया आपका केंद्रक और यह हो गया आपका अमीबा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अमीबा जो है अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट या पुटी। इसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट या पुटी। अब यह क्या होता है कि इस जीव में सूत्री विभाजन होता है। अब आप समझते होंगे कि सूत्री विभाजन क्या है। तो सूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें किसी जीव का केंद्रक बड़ा होकर के और दो भागों में बंट जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसका केंद्रक है, अब यह केंद्रक अलग भागों में बंट के अलग अलग भागों में बंट जाता है। तो अब देखिए जब सूत्री विभाजन होगा तो यह केंद्रक विभाजित होगा और यह केंद्रक विभाजित होकर के कई एक केंद्रक में बंट जाएगा और यह केंद्रक के ऊपर कोशिका द्रव्य बन जाता है। ऐसे बट गया। अब जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जब समय आता है, तो समय आने पर अब ये फट जाएगा और फटेगा तो ये सारे जीव बाहर आ जाएंगे और इसके फटने से एक जनक जीव था, हम यहां देखेंगे बच्चों ये एक जीव था और इसके अंदर एक केंद्रक था। अब यह केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा कई भागों में बट गया और यही जब समय अनुकूल यह फटेगा तो इसके शरीर से कई एक जीव बाहर आएंगे और हर एक जीव एक नए जीव का निर्माण
कर देगा, ये जितना जीव है। तो आप देख लिए बच्चों कि एक जीव से कई एक जीवों का निर्माण हो गया, तो ये बहुखंडन हो गया। तो अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक जनक जीव से बहुत सारे नए जीवों की उत्पत्ति होती है तो उसको हम बहुखंडन कहते हैं। सवाल उठता है ये होता किसमें है, तो देखेंगे मोनोसिस्टिस, अमीबा, प्लाज्मोडियम, इन सब में इस तरह की प्रजनन विधि होती है। तो अब हम लोग समझ गए कि विखंडन अलैंगिक जनन की पहली विधि हुई, विखंडन इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, द्विखंडन और बहुखंडन। समझ गए। अब चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा है मुकुलन। अब सवाल उठता है कि मुकुलन क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, मुकुलन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बडिंग कहते हैं, अब इसको बढ़िया से समझते हैं। जब किसी जनक जीव का, जैसे मान लें हम एक जीव बनाते हैं, देखेंगे जैसे एक जीव हो गया, ये जीव हो गया जिसमें हम इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रा। तो जब किसी जीव से या जब किसी जीव का शरीर से का उसका कोई भी भाग, अब जैसे पूरा ये बॉडी हो गया, अब इसका कोई भी भाग अगर ये उभर करके बाहर आता है, चलिए ये बाहर आ गया, और बाहर आकर के और ये टूटकर यहां से, जैसे मान लिया जाए, देखिए का जीव हो गया, अब ये बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के और अंत में ये टूट करके और जमीन पर गिर गया। और जब ये बड़ा होकर के नीचे गिरेगा तो इससे एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। यहां ध्यान देंगे, ये एक नया जीव बन गया। तो जब किसी जीव का शरीर का कोई भी भाग उभर करके बाहर की ओर आता है और वही भाग अगर टूटकर जमीन पर गिर करके एक नया जीव की उत्पत्ति कर लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन। अगर इसका परिभाषा पूछता है या सवाल आता है कि मुकुलन क्या है, तो हम बोल सकते हैं मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव का शरीर का हिस्सा उभर करके बाहर के रूप में आता है और कुछ समय के बाद वो टूटकर नीचे गिर जाता है और उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इसी में सटा रहेगा और एक जीव ये बन जाएगा और एक जीव ये बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि टूटकर अलग हो, टूटकर अलग भी हो सकता है और उसमें लगा भी हो सकता है। अब देखेंगे, अब इस प्रकार हम लोग अलैंगिक जनन की विधि देखे। अब इसमें देखिए एक और चीज है, जैसे मान लिया जाए कि एक जीव है, अब इसमें यह हो गया केंद्रक और यह केंद्रक आगे की ओर उभर करके आगे बढ़ता है तो यह केंद्रक टूटकर कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। तो यह दो भाग में हुआ, जब तक यह अलग होगा तब तक एक और उभर जाता है ऐसे। तो इस प्रकार भी जीव अपने आप से अलग अलग जीवों में बढ़ते चल जाता है और जब यह टूटकर अलग होगा तो एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन की दूसरी विधि हुई मुकुलन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको तीसरा पॉइंट बीज निर्माण बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो था बीज निर्माण। अब हम समझते हैं बीज निर्माण क्या है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बीज निर्माण अलैंगिक जनन की एक विधि है और यह विधि जो है साधारण निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, जैसे कवक हैं, जीवाणु हैं, फंजाई हैं, इन सभी चीजों में यह होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जीव है, जैसे देखिए ये बीज निर्माण जो है राइजोपस में होता है, यह एक प्रकार का कवक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या। जब किसी जीव के अंदर सूत्री विभाजन द्वारा एक केंद्रक
डिवाइड होकर के, यानी अलग अलग टुकड़ों में बट करके बहुत सारे जिकेंद्रक का निर्माण करता है, और वही केंद्रक आगे जाकर के एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे ही हम कहते हैं बीज निर्माण। अब देखिए कैसे होता है। तो बीज निर्माण निम्न कोटि के पादपों में होता है, जैसा हमने बोला कवक में, फंजाई में और जीवाणु में। अब देखिए क्या है, मान लिया जाए कि ये आपका राइजोपोष है और इसमें एक ये जीव हो गया, इसमें एक केंद्रक हो गया। अब इसमें सूत्री विभाजन होगा और सूत्री विभाजन के द्वारा ये कई भागों में बंट जाएगा। तो एक केंद्रक कई भागों में बंट गया, अब यही सारे चीजों में होगा, राइजोकोष जितने भी हैं सब में होगा, यहां हो गया यहां हो गया। और जब अनुकूल परिस्थिति आएगा, जब जैसे किसी की परिपक्वता पूरी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि इंसानों में है ना कि डिलीवरी का समय 9 माह होता है, तो जब बच्चा पेट में पड़ता है तो उसके बाद जब 9 माह होता है तो 9 माह के बाद डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चा शरीर से बाहर आता है, तो वो उसका परिपक्व टाइम हो गया। ठीक उसी प्रकार, उससे पहले नहीं आ सकता बच्चा, ठीक उसी प्रकार जब सूत्री विभाजन द्वारा एक केंद्रक बट करके कई केंद्रक में बट जाता है, यानी एक जीव के अंदर कई एक जीव का निर्माण होने लगता है, तो अनुकूल परिस्थिति के अनुसार जब यह फटता है तो फटने के बाद ये एक जीव से कई जीव बाहर आते हैं। और चूंकि ये इतने हल्के होते हैं कि अगर जो हवा में मिलता है वो हवा के साथ उड़ करके चला जाता है, जो पानी में मिलता है पानी से बह करके चला जाता है, और जो जहां गिरता है वहां पर भी रह जाता है। तो ये बीजाणु जनन के द्वारा एक जीव कई जीवों में बढ़ जाते हैं, और जिसके अंदर ये जीव निवास करते हैं इसे हम लोग बीजाणु कोष कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, बीजाणु कोष। और इसके अंदर जो ये उपस्थित होता है इसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु। अब कभी हम देखते हैं कि घर में मम्मी अगर रोटी रख देती है बंद करके भी, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उस रोटी पर उजले रंग का भुआ जैसा लग जाता है, हम लोग बोलते हैं कि भुअरी छेक लिया। तो उसमें क्या है कि वो धागे की जैसी संरचना पड़ जाती है व्हाइट कलर का, और कुछ समय ज्यादा छोड़िएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा, काला जैसा हो जाता। वो क्या है, आखिर हम बंद करके रखे हैं किसी डिब्बे में, तो आखिर उसमें से ये लाही आया कहां से, ये भुआ आया कहां से। तो यही है कवक, जो हवा में उड़ते रहता है और हवा के माध्यम से उस भोजन पर पहुंच करके और प्रजनन विधि द्वारा उसकी क्रिया बढ़ती है और उस पर पूरा वो छेक लेता है, जिससे वो सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। तो इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन की तीसरी विधि हुई बीजाणु निर्माण, समझ गए बच्चों। उसके बाद है 4 नंबर में खंडन, फिर खंडन, पहली बार में हम लोग पहला पॉइंट में पढ़े थे विखंडन, और यह है खंडन। तो खंडन की भी यही परिभाषा है, ध्यान देंगे बच्चों, कभी कभी पूछ देता है विखंडन से आप क्या समझते हैं, खंडन से आप क्या समझते हैं, यह किन जीवों में होता है, तो इस पर ध्यान देंगे। तो खंडन क्या है, खंडन अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक जीव खंडित होकर के दो भागों में बंट जाता है। लेकिन तो आप कहिएगा कि सर विखंडन में भी तो यही बताए थे, द्विखंडन में यही हुआ था, दोनों में क्या अंतर है, तो ध्यान देंगे बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है खंडन और विखंडन, दोनों में अंतर है। विखंडन हमेशा एक कोशिकीय जीवों में होता है और खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो अभी जो हम परिभाषा बोले कि खंडन अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक जीव खंडित होकर के दो भागों में बंट जाता है और फिर वो दोनों भाग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जिन जीव का खंडन होता है वो एक कोशिकीय नहीं होते, वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो अगर पूछता है कि खंडन और विखंडन में क्या अंतर है, तो विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है और खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है।
जिसमें एक जीव टुकड़े होकर के दो भाग में बंटते हैं और दोनों से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। चलिए, होता किसमें है बाबू, ध्यान देंगे, ये होता है स्पाइरोगाइरा में, उसका एक किस्म होता है। तो देखिए, ये स्पाइरोगाइरा एक जीव है और जब कुछ समय के बाद यह खंडित होगा यहां से, तो खंडित होकर समझ लीजिए कि यह एक अलग जीव बन गया है और ये एक अलग जीव बन गया, तो यही यहां से टूट जाएगा, ऐसे खंडित हुआ और खंडित होने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये एक नया जीव बन गया और ये एक नया जीव हो गया। तो क्या हुआ, खंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक जीव खंडित होकर दो भागों में बंट जाते हैं और दोनों जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं, लेकिन खंडन की विधि हमेशा बहुकोशिकीय जीवों में होती है। यह होता किसमें है, तो स्पाइरोगाइरा में। समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, पुनर्जनन। पुनर्जनन माने क्या, पुनः जन्म, पुनर्जन्म ध्यान में आ गया होगा बच्चों, करण अर्जुन, सलमान खान और शाहरुख खान, हाँ एकदम बिल्कुल, ये बात तो एकदम बिल्कुल याद होगा। तो चलिए हम वही मान लेते हैं कि पुनर्जनन का मतलब पुनः जन्म। तो परिभाषा हम कैसे देंगे, आखिर कहते किसको हैं? तो पुनर्जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें आकस्मिक अचानक कोई जीव खंडित होकर के अलग अलग भागों में बंट जाता है या उसे हम काट कर अलग कर देते हैं, तो कटे हुए जितने भी भाग होते हैं, दो या तीन भाग, उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब आप भी सोचते होंगे ये कैसे होता है भाई, सही में होता है। जैसे मान लिया जाए, हम देख लेते हैं, ये होता है आपका प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है। अब देखिए हम आपको पिक्चर से बताते हैं ये होता कैसे है। ये एक जीव हो गया, हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब ये इसको हम काट दिए, तो जब काटेंगे तो ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला भाग अलग हो गया। अब कुछ समय के बाद इसमें क्षमता होती है कि ये स्वयं अपने आप ये उन अंगों का निर्माण कर लेता है जिससे इसमें जीवन मिलती है। तो जब एक ही जीव अपने आप कट जाए या काट कर अलग कर दिए जाएं, तो अलग होने वाला प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। यह दोनों में होता है, यह हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि अलैंगिक प्रजनन की कितनी विधियां हुई। तो बच्चों, अलैंगिक प्रजनन की पांच विधियां हो गई। पहला आपका हो गया विखंडन, विखंडन को दो भागों में बांटा गया, द्विखंडन और बहुखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीज निर्माण, चौथा खंडन और पांचवा पुनर्जनन। अब हमें विश्वास है कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमको पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए जय हिंद।